नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में। तो कल रात में जो परफॉर्म किए थे ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड थी और अहमदाबाद से जो पटना है तो इतना टेम्परेचर का जो गैप हो गया ना, तो मुझे सर्दी पकड़ लिया बिल्कुल। मेरा पीठ का हड्डी दर्द कर रहा है एकदम, इतना अजीब सा ही तबीयत हो गया मेरा। कोई बात नहीं, तो अभी है हम खादी में, खादी के कुछ इंटरव्यूज़ हैं यहाँ पे और मंत्री जी सब भी आए हुए हैं, तो वही मतलब मीटिंग वगैरह है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, दीदी का अंदर एक इंटरव्यू चल रहा है, वजह से आएंगे, इसके बाद हम चलेंगे दूसरे इंटरव्यू के लिए। यार नींद को रहने वाला भाई, चक्कर आता रहता है मेरे को। हाँ हाँ, तो अभी हमारे साथ पूरी मतलब पूरा यूनिट लेकर के आते हैं। दो इंटरव्यूज हम कर चुके हैं, अभी CNN हो गया, टाइम्स नाउ हो गया। हालांकि अभी जब दिल्ली में थे ना, तो हम बिल्कुल इंटरव्यूज कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैवलिंग वगैरह, लेकिन पटना में आकर के थैंक यू सो मच। तो अभी मैं टीवी पे खुद को भी देखूंगी और यहाँ पे मंत्री जी भी आ चुके हैं, खादी मॉल में बहुत सारे। क्या हो रहा है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और हमारे अंकल भी आए हैं, वीणा वाटिका, जिसके बारे में आपको रील्स में बताई थी एक बार इंस्टाग्राम पे। वीणा वाटिका दरभंगा में जो एक बहुत बड़ा टाउनशिप होने जा रहा है, उसमें हमारा भी एक घर होगा, तो मैं दरभंगा में भी रहने आऊंगी। और कब तक अंकल बनेगा बताइए, बहुत उत्सुकता हो रही है मन के। अगले साल दिसंबर तक, अगले साल दिसंबर तक मैं वहाँ पे रहने आऊंगी। थैंक यू। अभी हम नीचे चलते हैं, वहाँ पे सब बता रहे कि मंत्री जी भी आ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या हो रहा है तुझको आज मेरे भाई को कुछ हो गया है यार, तबीयत खराब हो रहा है मेरा यार। क्यों तबीयत क्यों खराब हो रही है आपकी? कल ठंडी लगी बहुत ज्यादा, और मैं हमेशा पहले की तरह चिल में रहता हूँ बहुत ज्यादा। इन दोनों को कुछ बोलना नहीं आता ऐसा लग रहा है मुझको, मैं ही आपसे बात कर लेती हूँ अभी। तो अभी हम लोग ना बहुत बहुत ज्यादा मतलब इंटरव्यूज, और मतलब आप सोच लीजिए कि मैं तो अपने बोल ही रही हूँ, एक मिनट की भी चुप्पी नहीं हुई है, और अभी 4:30 बज गए और मुझे बहुत जब ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी, बेहोश हो जाऊंगी, बहुत तेज भूख लग रही है, प्यास लग रही है। तो हम लोग उधर से फटाक से निकल करके आ गए हमारे पटना के जो बहुत ही पॉपुलर होटल में, जिसका नाम है तमाश। हाँ फ्री में खिलाएंगे तब प्रमोशन करेंगे। अरे और हमारे साथ हमारे अब्बास भैया, हमारे अभिषेक भैया है, हमारे सुमन सर है, जो कि आज स्पेशली आए हैं दरभंगा से पटना, और हम लोगों ने बहुत सारे मीडिया इंटरव्यूज किए हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि नहीं, मैं एक और चीज की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, इसका नाम है वीणा वाटिका, जो कि नॉर्थ बिहार का सबसे पहला और सबसे बड़ा टाउनशिप होने जा रहा है, जहाँ पे हम लोग 528 घर होने जा रहे हैं, जिसमें कि एक घर मेरा भी होगा, और वहाँ पे मैं अगले साल से रहना शुरू करूंगी दरभंगा में। तो हम लोग ने क्या क्या खाना ऑर्डर किया है? हमने क्या है पता नहीं दीदी, क्या खाने का मन करता है, रुमाली रोटी क्या है, और थोड़ा पनीर मसाला चाहिए, और थोड़ा मशरूम, थोड़ा मतलब होना चाहिए ना, मतलब वैरायटी होना चाहिए। वेज बिरयानी खाएंगे और वेज बिरयानी खाएंगे। और दीदी देखिए,
मुझे ना अब मेरे लुक पे समझ रही है ना काम करना चाहिए, क्योंकि मैं हैंडसम तो हूँ वो तो पता ही है मेरे को, लेकिन और हैंडसम कैसे हूँ पता नहीं। मेरे दोनों भाइयों को क्या हो गया है, मेरे वाला बीमारी इन दोनों को लग गया है और रोज रोज मुझसे पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। नहीं सुना ना क्या चीज़? हनी तुझको भी ये बीमारी लग गई है ना, तू भी बोलता है कि रोज रोज मुझसे पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। यार मैं स्मार्ट हूँ। सनी भी वही बोल रहा है कि उसको भी अपने खूबसूरती पे काम करना है। उसको काम की जरूरत है, मुझे नहीं। तो मैं बहुत अभी तो खाने को लेकर के कॉन्सेंट्रेटेड हूँ, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए तो देखिए मेरा अभी कुर्ता का जो स्टॉक था वो खत्म हो रहा था घर में, ठीक है। मतलब खत्म कैसे होगा कपड़ा, मतलब तो अभी हम वही आए हुए थे खादी मॉल में अपना खुद का कपड़ा खरीदने के लिए। तो मेरा ऐसा साइज है जो कि मिलता ही नहीं है, मैं सबसे यूनिक हूँ आपको पता ही है ना, आपको पता ही है। तो मेरे साइज का बहुत कम मिलता है, तो जो भी एक वो मिला वो सारा उठा लिए हैं जो अच्छा अच्छा लगा मतलब। तो वही अब दीदी भी आएंगी थोड़ी देर में, वो अपना खरीदारी करेंगे साड़ी का जो भी है, और मैं अपना कर लिया हूँ, बिलिंग एक बार में होगा और हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे हर जगह आपको दीदी की तस्वीर मिलेगी, 50% के बम्पर छूट। इसको देखिए पकड़ लिया भाई, कैसा लग रहा है सनी? बहुत अच्छा। अरे बाप रे पाँव पकड़ लिया जोर से। तो इसमें बताऊँ क्या है, ज़्यादातर जो मेरे को इस मशीन का लग रहा है, एक रोलर है गोल गोल जो कि पूरा बॉडी पे ड्र हो रहा है और कुछ नहीं, और जो पाँव में है तो तीन चार गोल गोल कुछ है ऐसा जो कि पाँव में टक 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 गोल 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 घूम रहा है और कुछ नहीं। वाह मजा आ रहा है गाइस, गुद गुद जी कर रहा है कि नहीं वो? अरे पकड़ के तो राजा बना दिया मेरा पीठ का। अरे भाई अभी देखना इसको, अब पाँव में जोर से पकड़ लिया ऐसे गुर 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 गोल गोल करता है। पूरा देह चूर दिया था नहीं मेरा एकदम। क्यों क्या हो गया? पूरा हड्डी चुरा। अच्छा अच्छा हुआ ना, मजा आ गया। उसमें पता नहीं मैंने ऐसे फील किया, वो चार गोला है भैया पीछे और वो इतना जोर से वाइब्रेट करता है कि पूरा देह को हिला देता है। वो बहुत अच्छा है, अगर आप पटना में रहते ना और खादी मॉल आना जाना होता है आपका, तो एक बार मेरे कहने पे कोई भी कह दे आप उसको मत मानिएगा, मेरा मानिएगा, जरूर ट्राई करेगा, मजा आ जाएगा, पूरा देह को हिलाता है। तो खादी से निकल रहे हैं हम गाइस। हम लोग होटल आ चुके हैं और अब जल्दी से मैं व्लॉग एडिट करके रेस्ट करता हूँ। तो कल सुबह में जल्दी उठ के निकलना है बक्सर के लिए, और बक्सर यहाँ से करीबन 3-3.5 घंटे का रास्ता है, तो काफ़ी ज़्यादा एकदम ट्रैवलिंग वाला दिन रहेगा। तो जल्दी से हम सब काम ख़त्म कर देते हैं, मतलब एडिटिंग वगैरह का जो भी काम होता है, और जल्दी सो जाते हैं। और अभी मेरी तबीयत बहुत सही लग रही है, मतलब पहले से सुबह से ना एकदम हेडेक सा हो रहा था और अजीब सा ही लग रहा था बिल्कुल, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो अभी चाय पी रहा हूँ मैं, और बस आज के ब्लॉग में इतना ही। सनी भी काफ़ी थक गया था तो अपने रूम में जाती सो गया वो। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।